जी और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो एक मूवी का ट्रेलर। फाइनली हम लोगों को ट्रेलर देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस ट्रेलर की सबसे पहले हमें सजेशन दी थी आकांक्षा ने और फिर उसके बाद अभिषेक ने भी हम लोगों को। और मैं अगर बात करूं तो मुझे जो है वरुण पांडे और दिनेश ने जो है ये वीडियो सजेस्ट की थी, उन्होंने स्पेशल भेजा था ये। ओके, लेकिन यहाँ पर अभिषेक से मैं बोलना चाहूंगी कि आपका फीडबैक बहुत लेट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी आना चाहिए क्योंकि पहले थोड़ा जल्दी आया करता था। एनीवे, थैंक यू सो मच हमारी ईमेल्स के वीडियो देखने के लिए। और आज जो हम लोग ट्रेलर देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है सरदार उधम ऑफिशियल ट्रेलर। बिल्कुल, और लेकिन ये कि हम आज इसका टीजर भी देखेंगे और ट्रेलर भी देखेंगे क्योंकि हम लोगों को ये भी बताया गया है कि टीजर भी इसका आउट हुआ था। वैसे आप लोग जल्दी जल्दी क्यों नहीं बताते कि भाई सरदार उधम सिंह का ट्रेलर भी टीजर भी आउट हुआ था, हम लोग साथ में देख लें। एनीवे हम लोग खुद भी बड़े यहाँ पर हमारी गलती होती है। खैर, अगर बात करें इसकी कास्ट में तो कास्ट में है विकी कौशल है, शॉन स्कॉट है, स्टीफन है, बनीता क्रिस्टी और अमोल। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें है रोनी एंड शील। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Indians never forgive their enemies. They strike them down even after 20 years. Gandhi has left Delhi for Amritsar. Arrest Gandhi. और अगर आप कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। I see death, no sleep in years. Monday ko church, Friday ko cinema hall, or Saturday ko club. You want the freedom of your people? You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। What is the next target? Benedict Cumberslaw! Revolution is a dangerous game. We need to set an example. Sir. Uday Singh, are you? Yes. Frank Brazil? Yes. You're Uday Singh? Yes. What's your real name? प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा आपका ब्रिटिश लॉ। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। टेल पीपल आई वॉज अ रेवोल्यूशनरी। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो है हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो है हम अनसंग हीरो का कहें ना, वो होते हैं कि उनके उन्होंने
किया तो बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हम लोगों को उनके बारे में इतना पता नहीं होता। बिल्कुल, और मैं इस चीज को एक्नॉलेज भी करूंगी सरदार उधम सिंह जी के बारे में, मतलब मुझे नहीं पता था। हम लोगों को जितना भी पता, हमने भगत सिंह जी के बारे में बहुत सुना है, शुरू से मूवीज देखी है, लेकिन इससे पहले हालांकि सरदार उधम सिंह जी पर एक मूवी बनी भी हुई है, एक नहीं काफी मूवीज उन पर बनी हुई है। मैंने जो देखा था ना कि एक मूवी मेरे सामने से गुजरी थी, तो मुझे नजर से गुजरी थी, तो इस तरह से मुझे आइडिया। लेकिन ये कि हम लोगों को पता नहीं होता, बट मैं कहूंगी कि आज का जो ट्रेलर देखा है, ऑनेस्टली बोलूं तो लास्ट सीन देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे, और आपका दिल रोता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और जो उनके ऊपर मतलब अगर जलियांवाला बाग की बात करें तो जो मैसेकर हम लोगों वहां पर मूवीज के थ्रू हम लोगों ने देखा है, जो हालात वहां पर देखे हैं, और मुझे भगत सिंह मूवी जो मैंने देखी थी तो मेरे जहन में सेम वही वाला सीन आ गया था कि जब जिस तरीके से वहां पर लोगों का कत्लेआम किया गया, और ऐसे हम कहें कि उनके पास कुछ भी नहीं था, और ऐसे लोगों पर आपने इतना ज्यादा चढ़ाई की, बट उसके बाद मैं कहती हूँ कि फिर भी ऐसे शेर जवान जो हैं वो, मैं कहती हूँ कि ऐसी माँ की कोख से निकलते हैं, जो कि इतना दम रखते हैं कि वो अपने आप को प्रूव करते हैं, वो अपनी कौम का साथ देते हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो जलियांवाला बाग का जो वाकया हुआ था ना, वो हिस्ट्री के जो डार्क चैप्टर्स हैं ना, उनमें अगर जलियांवाला बाग की बात की जाए तो वो बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोई एक्ट पास किया था उसके प्रोटेस्ट में, वहां पर 20,000 के करीब लोग जो है जमा हुए थे, और वहां पर जो है उन लोगों पर जिस तरह फायरिंग की गई, उन्हें मारा गया, और फिर उसके बाद जो है वहां से जो मैंने पढ़ा हुआ है कि वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ठीक है, और उस रास्ते पे भी जो है टैंक टाइप जो वो होती ना गाड़ियां, वो खड़ी कर दी गई थी ताकि जो लोग यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करें तो उन्हें भी, यानी कि बाहर ना निकलने दिया जाए, उन्हें भी वहीं पर मार दिया जाए। फिर उसके अलावा यहाँ पर भगदड़ में लोग जो है बहुत ज़्यादा शहीद हुए, फिर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर एक कुआं था, वह अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी, और जो है क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, लेकिन उस कुएं में छलांग लगाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी भी जान गई। एंड पर जो है वहाँ पर जो उधम सिंह जी थे वो वहाँ पर पानी सर्व कर रहे थे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग आए हुए थे उन्हें पानी सर्व कर रहे थे, ये वहाँ पर जिंदा बचे। फिर इन्होंने ये चीज़ ठानी कि जो है जो माइकल जो गवर्नर ऑफ पंजाब था उस टाइम का, कि उसे ये मारेंगे, और फिर ये बदला लेने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर के ये गए लंदन गए, वहाँ पर इन्होंने जो है उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी कि क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यानी कि जो एक प्रॉपर उसकी डेली रूटीन थी, हाँ डेली रूटीन थी, उस पर नज़र रखी। बीच में बहुत बार उन्हें मौका मिला भी कि मैं जो है इसे मार दूँ, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उनका ये था कि मैं इसे तब मारूंगा जब ये किसी एक प्रोमिनेंट जगह पर होगा, जैसे हमारे एक लोगों को इन्हें इकट्ठा करके शहीद किया था, इसे भी इसी तरह मारूंगा। वेल, ये जो सारी स्टोरी मौलम ने हमें बताई है बिल्कुल इसी तरीके की, हम कहेंगे कि ये जो ट्रेलर है उसी, वो जो इवेंट्स हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। और 1931 में जो सरदार उधम सिंह है वो इंडिया से गए थे, और फिर मतलब अफगानिस्तान के रास्ते बहुत ही कठिनाइयां, जैसे कि मौजम ने बताया भी, और 1933 से लेकर 1934 के दरमियान वो वहां पर पहुंचे थे। विकी कौशल सर की के जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, और ये एक ट्रेलर, और जो उसकी मैं हम कहेंगे करेक्टर की, और जो उस इवेंट की सेंसिटिविटी है, और जो एक फील है वो हम लोगों ने इस ट्रेलर में महसूस की है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें जो है ऐड करना चाहूंगा जो शायद आपको ना मालूम हो, कि सरदार उधम सिंह जी जो हैं उन्होंने जो है एक अंग्रेज से जो है पिस्टल खरीदा, और उसे जो है वो उन्होंने अपने पास रखा, उसके इनके वेपन रखने के चक्कर में उन्हें जो है एक बार सजा भी हुई थी, जैसे इसमें भी दिखाया गया। फिर उसके बाद जो जनरल माइकल हैं वो एक जगह पर तकरीर कर रहे थे
हॉल है लंदन में वहीं पर, तो वहां पर जो है उधम सिंह जी जो है वो एक बुक में जो है पिस्टल लेकर के, पिस्टल को जो है उन्होंने इस तरह रखा हुआ था कि बुक में पेज काट के पिस्टल की शेप की जगह बनाई हुई थी, और फिर वहां जाकर वो थोड़ी देर बैठे हैं, उन्होंने तकरीर सुनी, फिर उसके बाद जाकर उन्होंने बड़े आराम सुकून से कहते हैं उठकर गए और जाकर तीन गोलियां जो हैं वो जो माइकल है उसके सीने में दाग दी और वहीं पर मर गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दागने के बाद वहां से भागे नहीं, क्योंकि वहां से वो भाग भी सकते थे, उनका मौका भी नहीं था, लेकिन वो नहीं भागे, उन्होंने वहां पर सरेंडर कर दिया। देखा जाए तो सरदार उधम सिंह जी का जो हालात हैं और जो उनका एक तरीका है, हम देखें तो वो उनके गुरु भगत सिंह जी ने भी जैसे फॉलो किया, उनको फॉलो करते हुए वो नजर आते हैं। और मैं कहती हूँ कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हीरो हैं, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में यूनिटी की बात की है और यूनिटी के साथ काम किया है। बिल्कुल, उनकी यूनिटी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। सवाल मुझे भूल गया, किसी ने उनसे एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा था कि मेरा नाम जो है वो राम मोहम्मद सिंह है। और जैसे मौजूद ने स्टोरी बताई, बिल्कुल वही चीजें हम लोगों को इस ट्रेलर में भी देखने को मिली कि किस तरीके से सरदार उधम सिंह जो है वो बार बार डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनका जो एक मैसेज जा रहा था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा और इनके साथ साथ जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन सब ने हमेशा हिंदुस्तान में यूनिटी के बारे में बात की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी एक कम्युनिटी को वहां पर आजादी मिलेगी, उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए उनको जोड़कर रखने के लिए एफर्ट्स किए। और आई थिंक ये हम लोगों को अब समझना पड़ेगा, इतने साल गुजर चुके हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और उन सब ने मिलकर दी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हम लोग हमेशा यही बात सोचते रहते हैं कि नहीं, हम अलग हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बिल्कुल, हमें मुझे लगता है कि ये हमारी सोच है जिस सोच के साथ हमें बड़ा किया जाता है, बट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसी सोच को चेंज करें और मिलजुल कर रहें, क्योंकि इस खित्ते के लोग एक तरह के हैं और उनको एक तरह का रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। वेल गाइज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं तो जरूर देखने वाली हूँ क्योंकि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है, और आप लोगों में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानते होंगे हिस्ट्री के बारे में, मौजूद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और आप और फैक्ट्स जानते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें जल्द माय वीडियो से लाइक सब्सक्राइब वीडियो से एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।